वेलकम स्टूडेंट, आज हम न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन उसके चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये एक्सरसाइज 5B है। इसके हमने पहले क्वेश्चन हमने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs ये हमने पिछली वीडियो में किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, and 6 क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कन्वर्ट द आवर्स इनटू मिनट्स। ये जो आवर्स हैं 14 आवर्स, 32 आवर्स, 12 आवर्स 49 मिनट्स, 15 आवर्स 37 मिनट्स, इनको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या बनता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। इसको शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं और अपने क्लास फेलोज को बताएं। तो आए हम पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट ए है। ए पार्ट में पूछा गया है कि 14 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो 14 आवर्स में 14 को हम 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा। 14 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 840 मिनट्स। उसके बाद इसका बी पार्ट होगा। बी पार्ट में हम देखते हैं 32 आवर्स। में कितने मिनट्स होंगे। 32 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 32 मल्टीप्लाई 60, 6 2s are 12, 6 3s are 18 and 1 19, तो 1920 मिनट्स। उसके बाद इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में है 12 hours 49 minutes। 12 आवर्स को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 49 उसमें प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ट्वेल्व को 60 से मल्टीप्लाई किया, 6 2s are 12, 6 1s are 6 and 1 7, 720 आ गया और इसमें हमने ऐड करना है 49, 9 6 7, 769 मिनट्स। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 का है, डी पार्ट। 15 आवर्स थर्टी सेवन मिनट्स। 15 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 37 हम ऐड कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा मिनट्स। सबसे पहले 15 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया, 6 5s are 30, 3 इसका कैरी चला गया, 6 1s are 6 and 3, 9 900 आया। इसमें हमने ऐड क्या करना है, 37,
तो इस तरह से 739 यह अधिकार 937 मिनट्स। तो ये हमारे आंसर हैं। इसमें पहला आंसर हमारा ए का ये है 840 मिनट्स, बी पार्ट का 1920, सी पार्ट का 769 मिनट और डी पार्ट का आंसर है 937 मिनट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स। पिछले में आवर्स को हमने मिनट्स में चेंज किया था और उसने हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। अब मिनट्स को जब आवर्स में हम चेंज करेंगे तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। ये ए पार्ट है 60 मिनट, बी 240 मिनट्स, 270 मिनट और 75 मिनट्स। तो इन सभी को हमने सॉल्व करना है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है हमारा 60 मिनट्स। 60 मिनट को 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आवर्स। यहां पे हम डिवाइड कर लेते हैं 60 तो जो क्वेश्चेंट हमारा आएगा ऊपर जो हमारा आएगा वो आवर्स होंगे और रिमेनिंग जो होंगे वो मिनट्स होंगे 1 आवर। उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट में 240 मिनट्स हैं, इसको हमने आवर्स में चेंज करना है। 240 डिवाइडेड बाय 60 ये किस में चेंज हो जाएगा आवर्स में। 240 को हम 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से 4 से करेंगे 60 को, 4 0 0 4 6 24 तो इस तरह से 4 आवर्स हमारा आंसर आया 4 आवर्स। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है 270 मिनट्स। टू सेवेंटी डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करते हैं तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। तो 60 को 4 से करें तो 4 0 0 4 6 24 आता है और सब्ट्रैक्ट करने से 30 आ गया। ये आवर्स हैं और ये मिनट्स, रिमेनिंग जो है वो मिनट्स होते हैं और क्वेश्चन जो है वो आवर्स। आंसर होगा 4 आवर्स 30 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, 75 मिनट्स हैं। 75 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। सिक्सटी वन जर सिक्सटी तो ये 5 रिमेनिंग, ये 1 रिमेनिंग। तो ऊपर वाला जो है ये आर है, आर्स हैं और नीचे वाले मिनट्स। आंसर में क्या आया 1 आवर 15 मिनट्स। तो हमारा पहला जो आंसर आया है था 1 आवर, ए का आंसर है, बी का आंसर है 4 आवर्स, सी का आंसर है 4 आवर्स 30 मिनट और डी का आंसर है 1 आवर 15 मिनट्स। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द मिनट्स इनटू सेकंड।
पहले मैं आवर्स को मिनट में, मिनट को आवर्स में, और अब मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है। ए पार्ट है 140 मिनट्स, बी है 90 मिनट 10 सेकंड, सी है 100 मिनट्स और डी है 5 मिनट्स 49 सेकंड्स। तो आइए हम इनको बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। ए पार्ट 140 मिनट्स, 140 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। 140 मल्टीप्लाई 60, 0 0 0, 6 0 0, 6 4 24, टू कैरी, 6 1 6 and 2 8, तो 8400, 8400 सेकेंड। नेक्स्ट है पार्ट बी, 90 मिनट्स 10 सेकेंड, 90 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 10 सेकेंड, तो इस तरह से ये कंप्लीट सेकेंड्स बन जाएंगे। 90 मल्टीप्लाई 60, 6 0 0, 6 9 54। फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड, इसमें 10 ऐड कर दिया, 5410 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट, 100 मिनट्स, 100 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो 100 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6000 सेकेंड हो जाएंगे। लास्ट में हमारा जो डी पार्ट है उसमें 5 मिनट्स और 59 सेकेंड को हमने सेकेंड में चेंज करना है। 5 मल्टीप्लाई 60, 59 सेकेंड, 60 को 5 से किया तो ये आ गया 300, 5 0 0, 5 6 30, इसमें 59 हमने ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 359 सेकेंड। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके आंसर हम देखते हैं, ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, उसका आंसर है 8400 सेकेंड। बी पार्ट 5410 सेकेंड। सी पार्ट जो है वो 6000 सेकेंड है और डी पार्ट 359 सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके साथ ही हम आज का जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। जाते हुए आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें और दोस्तों रिश्तेदारों क्लास फैलों को भी ज़रूर बताएँ। थैंक यू।